वो कह दिक्कत हो जाएगी, ऐसे में जाएंगे। मैंने कहा कई वर्ष हो गए जो बढ़ जाए, जनता भाई इंतजार कर रही है और विशेषकर डीडीआई करती है, और ये चार बादलों में से जाना पड़े और जाए भारी बरसात में जाना पड़े, आज तो जोबट किसी भी हालत में जाएंगे। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर दूर से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बादल में घुसता है और ऐसा ऐसा हिलता है ऊपर नीचे, तब कैसा लगता है सोच लो। लेकिन रिमझिम बरसात के बीच आपके पीछे आ गया, और आज मैं चर्चा करूं उसके पहले हमारी आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की बहनें करती है, आज मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कर लू क्या बहनों, कर लू क्या? हमारी गगन भाई मौर्य है क्या? गगन भाई क्या करते हैं आप, आपका काम क्या है? वो माइक सुन, सबसे पहले मामा को भी राम राम, सभी ये पधारे थे उनको भी राम राम। मेरा नाम गनभाई मोयो है। क्या काम करते हैं आप? करती सभी। अच्छा, अभी इन कामों से कितना फायदा हो जाता है? मैं पहले तो आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ, पहले मुझे नहीं पता था। मेरा समूह का नाम पटेल समूह है, मेरे समूह में अध्यक्ष है। आजीविका मिशन द्वारा से प्रशिक्षण मिला है जैविक खेती के। तो जैविक खेती करती करती है आप प्रशिक्षण के बाद जी क्या क्या उगाती है? वर्मी कम्पोस्ट का मैं खाद तैयार करती। कहाँ करते हैं वर्मी कम्पोस्ट का खाद तैयार? ग्राम नानपुर में, मेरा गांव है नानपुर। अरे वर्मी कम्पोस्ट का जो खाद है वो बिक जाता है? मामा जी मेरे खेत में डालने के बचने का मैं बेचती हुई। अच्छा, तो अपने खेत में भी डाल लेती है जी, और बेचती भी है। बेच के कितने पैसे कमा लेते होंगे? साल भर में जो सब्जी उत्पादन से, जैविक खाद से और जो फलदार पौधों से 80 से 90 हजार तक आमदनी आ जाती है। तालियां बजाओ, 80 से 90 हजार तक की आमदनी हमारी। बहन गनभाई कह रही कि हम इसमें वर्मी कंपोस्ट के खाद से अपनी आमदनी कर लेते हैं। आगे आपने कुछ और सोचा, भविष्य में क्या करेंगे? जी महाराज जी, मैं मेरा सपना है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी दीदियों को जैविक खेती का मैं प्रशिक्षण देने चाहती हूँ। बहुत बधाई आपको, बाकी बाकी दीदियों को भी आप जैविक खेती का प्रशिक्षण देंगी तो एक तो जो जैविक अन्न होगा वो शुद्ध होगा, क्योंकि खाद वाले से तो कई तरह की बीमारियां होती है, और दूसरी बाकी दीदियों की भी आमदनी बढ़ेगी। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको मुझसे और कुछ कहना है? जी मामा जी, मैं जो हम पहले रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे थे तो बहुत कीड़े लग रहे थे, अभी हम जैविक से कर रहे तो कीड़े भी नहीं लग रहे। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं राज्य शासन की तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ, जनता की तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। मामा जी, एक मेरा निवेदन है आपसे कि हमारे क्षेत्रों में जो भील भाषा में शिक्षा दिया जाए तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे आगे बढ़ सके। अरे गणवाई का ताली बजा के स्वागत करो सर, ये बुनियादी बात कर रही है। हम घर में जो भाषा बोलते हैं, हमारी जन्म के साथ जो भाषा परिवार सिखाता है, उस भाषा में हम कोई भी चीज अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये गनवाई का कहना है कि प्राइमरी शिक्षा भीली में भी देना चाहिए। गनवाई आपको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और जो बच्चे भीली भाषा में प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, उन
को भीली बिलाली भाषा में प्राइमरी शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सके। ये अंग्रेजी की गिटर पिटर कई बार समझ में नहीं आती, तो अकल तो सब में होती है लेकिन क्योंकि अपनी भाषा ही नहीं है वो, तो कई बार हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। मातृभाषा का सम्मान करें और राज शासन पूरी कोशिश करेंगे खुद का शिक्षा दें। धन्यवाद आपको गणपति। जो भी मेरे से गलती हो गई और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्षमा करना चाहती हूँ। अरे आप लोग पढ़े लिखो तो बहुत अच्छी बोल रही है गणपाई, ताली बजा के गणपाई का स्वागत। मुझे ऐसा मौका भी मिलना चाहिए करके मेरे सपने में था, मामा जी को मुझे मौका मिल गया। हम मिलकर काम करेंगे अपना जीत का मिशन। धन्यवाद आपको। दीदी आपका नाम क्या है, क्या करते हैं दीदी आप? कुछ नहीं करती थी, सोम के दिन के बाद मैंने सेंटिंग सामान लिया है। सेंटिंग के सामान का उपयोग हो जाता है? जी सर, जिमा हो जाता है। काय में करते हैं? प्रधानमंत्री अपने गांव गांव में बन रहे हैं वहाँ पर। ममता दीदी आपको तो बहुत बहुत बधाई, प्रधानमंत्री आवास बनते हैं ममता दीदी की सेंटरिंग का काम जो होता है वो सेंटरिंग लगती है, उससे कितनी आमदनी हो जाती है आपको? एक महीने में 30,000 तक की आमदनी हो जाती है। एक महीने में 30,000 तक की आमदनी, स्वागत करो ममता दीदी का। ममता दीदी आपके मन में और कुछ कहने का है क्या? आपके मन में कुछ लगता हो मामा को बताने चाहिए या दीदियों को बताने चाहिए? मैंने सपना देखा था कि मुझे सेंटिंग सामान लेना है क्योंकि मेरा हस्बैंड कारीगर का काम करते हैं, इसलिए मैंने उनको बोला था कि आप कारीगर का काम करते हैं मुझे सेंटिंग सामान दिला देती हूँ और अपने जिले में भी आपको मकान बनाने का काम मिलेगा और अलीराजपुर जिले में मेरा हस्बैंड 3 साइट ले रही है और दिवाली के बाद 4-5-6 साइट चालू करेंगे। बहुत अच्छे, आप दोनों पति पत्नी मिलके हस्बैंड वाइफ मिलके अपना दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं मामा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे, तो अभी अच्छे से अच्छे स्कूल लगेगी तो हमारे बच्चे का भविष्य बनेगा। देखो ममता ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ आज हमारे बेटे बेटी ट्राइबल बेटे बेटी उनमें अकल क्षमता प्रतिभा टैलेंट सब है लेकिन कई बार अच्छे स्कूल नहीं होते, इसलिए हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। मेरे अलीराजपुर जिले के बहनों भाइयों को और बेटा बेटियों को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आपके लिए अच्छे स्कूल बनाने का हमने फैसला किया है सीएम राइज स्कूल, और ये जो स्कूल है इस स्कूल की बिल्डिंग ही लगभग 18 करोड़ रुपया में बनेगी। केवल बिल्डिंग नहीं बनेगी, हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में गणित के टीचर नहीं मिलते, इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते, विज्ञान के साइंस के टीचर नहीं मिलते, इसलिए बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते और वो पीछे रह जाते। इन स्कूलों में गणित के विज्ञान के अंग्रेजी के अच्छे शिक्षक होंगे, लाइब्रेरी भी होगी, प्रयोगशाला भी होगी और खेल का मैदान भी होगा। ये अच्छे से अच्छे जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल है उनसे अच्छे स्कूल बना के मामा देगा ताकि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ाई पूरी कर सके। और हर गांव में ये नहीं खुल सकता, इसलिए 15-20-25 गांव के बीच में एक खोलेंगे और एक स्कूल में 5-5-8-8 हजार बच्चे पढ़ेंगे। आस पास के गांव से बसों से उन बच्चों को लेके आएंगे स्कूल, सवेरे लाएंगे शाम को छोड़ आएंगे। ठीक है कि नहीं बताओ? अरे बताओ ठीक है कि नहीं? ताकि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ सके। ममता दीदी आपने राह बताई, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बधाई, ताली बजा के स्वागत करें ममता का। ये समूह नहीं रहता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये समूह की ताकत बहुत बड़ी है
मतलब बाकी बहनों को भी मैं दीदियों को कहना चाहता हूँ, समूह के साथ जुड़े, अपनी आमदनी बढ़ाए, अपने पैरों पर खड़ी हो। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे समूह की और आपके मदद करने में, सहायता करने में। धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या दीदी? राम राम। सभी पधारे हुए साथियों को भी राम राम कहना चाहती हूँ। सबका भी राम राम स्वीकार करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेगन बघेल है। मैं ग्राम किराला की रहने वाली हूँ और मैं बैंक सखी का काम करती हूँ। तो बैंक सखी मतलब गांव में जाके पैसा, बैंक का पैसा आप देती है? जी मामा। ये काम सीखा कहाँ से आपने? आजीविका मिशन से ट्रेनिंग मिली थी मामा। अच्छा, कितनी बैंक सखी होंगी अपने यहाँ में? 125 है जिले में। 125 है जी मामा। और उनको एक महीने में कितनी आमदनी हो जाती है? मामा मेरा एक महीने में 12 से 15 हजार हो जाता है मामा। 12 से 15 हजार। कोई चूक और गलती तो नहीं होती? ठीक से काम कर रहे? जी मामा, ठीक से कर रहे। आप देखिए, बैंक सखी है हमारी रेलन भाई, और ये बैंक सखी का मतलब बैंक का पैसा ठीक से आप तक पहुंचाना, इस काम में लगी है बैंक सखी, और बहुत अच्छा काम कर रही है। 15 गांव में ये काम कर रही है और 125 बहनें काम कर रही है। बाकी बहनें भी इस काम से जुड़ना चाहती है क्या? जी मामा, जुड़ना चाहती है। ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिली थी? ऑफिस से मिली थी। अच्छा, दी थी। अब आपके मन में और कोई बात है तो कह रहे हैं। जी मामा, हमारे अलीराजपुर जिले में हम अच्छी स्कूल चाहते हैं और अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं। आपने जो बात कही वो मैंने पहले कही कि हम सीएम राज स्कूल खोल के अच्छी शिक्षा देंगे बच्चों को। धन्यवाद दीदी। और हाँ दीदी, क्या नाम आपका? शारदा चौहान। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते बेटी, क्या करते हैं आप? मामा जी, मैं पीतमपुर में हूँ, प्रतिभा सिलेक्शन लिमिटेड कंपनी में। कैसे चेंज हुआ आपका सिलेक्शन, कैसे हुआ? जिलाई सर रोजगार के मेले के माध्यम से। रोजगार मेले यहाँ पे लगे? हाँ लगे हैं। आपने कौन से रोजगार मेले में भाग लिया था? बर्जर में लगा था रोजगार मेला 2019 में। अच्छा, उसके बाद आपका आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ। वहाँ क्या काम करते हैं आप? वहाँ पर मैं टचिंग मास्टर हूँ। कितनी कितनी आय हो जाती है हर महीने आपको? 8,700। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई बेटी, बहुत शुभकामनाएं। ये बेटी बेटी आपका क्या नाम है? याना राठौर। याना, जरा सबको बता दो आप जोबट की रहने वाली हो? जी, जोबट की रहने वाली। क्या किया आपने बताओ ना सबको। 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल शूटर हूँ, इंडियन टीम की प्लेयर हूँ। तालियां बजा के स्वागत करो जोबट की बेटी, इंडियन इंडियन टीम की प्लेयर है और शूटर है। शूटर, अब तक क्या क्या उपलब्धि हासिल की आपने? मैं 2 साल खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 1 साल पार्टिसिपेट किया है मैंने। 3 साल बैठे मैंने खेलो इंडिया खेला है, मैं नेशनल मेडलिस्ट भी रखा। नेशनल मेडल भी नहीं जीती? अरे जोबट की बेटी ने कमाल किया था, तो बजा दे रहा। इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन हुआ। एशियन एयरगन से। आप कहाँ जाने वाली हो? कजाकिस्तान में होने वाले थे, तो वो अफगानिस्तान के कारण। अच्छा, अफगानिस्तान के चक्कर में कजाकिस्तान रह गया, तो कहीं ना कहीं तो होंगे। बेटी तुम चिंता मत करना, आप कहीं ना कहीं फिर से घोषणा होगी, वहां आप जरूर जाना। और आपको सूटर है आप अच्छी, कोई जरूरत ऐसी लगती जो आपको चाहिए, जिसमें आपको सहायता चाहिए हो? मैं चाहती हूँ हमारे जिले में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम खुले, जहाँ पे हर खेल की फैसिलिटीज दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि हर किसी को मौका मिल सब मेडल जीत के ला सके हमारे मध्य प्रदेश देश। याना ने बहुत समझदार की बात करी है। एक याना क्यों, जोबट की धरती से, अलीराजपुर जिले की धरती से और याना बेटी, और याना जैसी बेटी क्यों न निकले? और इसलिए उन्हें कहा कि एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए जिसमें हमारे बाकी बच्चे भी यहाँ से प्रशिक्षित होकर निकले और अच्छे खिलाड़ी बने,
और इसलिए जोमट में बोलो स्टेडियम बनाया जाए। अरे नौजवान बोलेंगे तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, बनाया जाएगा। ठीक है, तो बेटी यहां स्टेडियम बनाया जाएगा, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं ताकि हमारे बच्चे और भी खेले। देखो आजकल खेलों में नाम ऊंचा हो रहा है हमारे देश का। और इस बार अपन ने अभी अभी हाल में जो ओलंपिक हुआ उसमें भी बहुत पदक जीते। यहां में बेटी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा भी आपको जो सुविधा चाहिए व्यक्तिगत रूप से भी, वो सारी सुविधा भी देंगे आपको। अभी तो तत्काल में 2 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ, ताकि आपको तत्काल जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए। बाकी भी कोई दिक्कत हो तो बताना बेटी, मामा काय के लिए चिंता मत करना। धन्यवाद। मेरे हो गया, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे फिर समय। अध्यक्ष है सर, ये लगभग 500 महिलाओं का कुटुंब पालन कराती हूँ। आप और बात करेंगे? ठीक है सर, मैं आज आपकी शुभकामना सर, मैं एक बात कहना चाहूंगी, बायरा भिली भिलाली में मतलब महिलाओं का ये ब्रांड अलीराजपुर जिले की नारी शक्ति का एक सूचक रहेगा, जो यहाँ के बहुमूल्य प्रोड्यूस जिसको अच्छा वैल्यू नहीं मिलता है मूल्य संवर्धन का काम करेगा। सर मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप बायरा ब्रांड बुक का लॉन्च करें। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभिनव पहल और नवाचार कि इस जिले की महिलाओं ने अपने ऊर्जा से, अपने संकल्प से उस काम को अंजाम दिया जो अभी तक नहीं हो रहा था, और अपने कदम घर से बाहर निकाले हैं उन्होंने। पुस्तक का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बायरा ब्रांड इसमें उन सभी उत्पादों की जानकारी है जो महिलाओं ने स्वयं तैयार की है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन और इस जनता को संबोधित करके प्रदान करें। जो टोंगली, जिसे हम अपनी भाषा में टोंगली बोलते हैं, बास्केट, वह प्रतीक चिन्ह के रूप में यहां पर भेंट की जा रही है। स्मृति हमारी संस्कृति की, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन जी, सांसद आदरणीय डामोर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बघेल सिंह जी, आदरणीय माधव सिंह जी, भाई नागर सिंह जी, सभी महिला सिंह हमारे वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारी का, और जोबट में यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी आपने देखा यह अलीराजपुर जिले की हमारी बहनें दीदियां हैं मामा, छाता थी जो एक से बढ़कर एक काम कर रही है। आप इनका हाथ मुझे, ये पानी के रहा है देश को भाई, पकड़ कर रखना नहीं तो ये गिर सकता है पानी के बोझ से। जो इस काम में लगे सुरक्षा के मित्र वो भी ध्यान में नहीं, तो टेंट गिर जाएगा, उसका पानी निकाले अभी तो, और ये तो मजबूत बनाया ना सामने वाला।
उसको जरा ढंग से संभाल लेना चाहिए। और पानी वो पानी जब वहां से मिल जाएगा अभी उसको ठीक करवा दोगे तो भी या पुलिस के मिल जाए तो लगे हुए वो ध्यान है इसमें। उसके पानी को निकालना पड़ेगा तब तक वहां सब क्योंकि बच्चे भी गोद में है ऐसा मत करो भाई। ये कोई जिम्मेदार लोग करो पानी निकाल दो उसके बाद अब मैं बात शुरू कर रहा हूं। आज हमने देखा मेरे वो कितना बेहतर काम कर रही है। बाईरा हमारी बहनों के लिए बहुत सम्मानजनक शब्द है और हमारी बहनों की प्रतिभा का उपयोग करके उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए एक अलीराजपुर जिले का ब्रांड बायरा ब्रांड बनाया गया है। मैं केवल एक ही निर्देश दे रहा हूं कि जैसे बायरा ब्रांड काम में अंग्रेजी में भी जरूरी है ताकि देश विदेश में जाए और हमारी चीजें बिके। हमारी बहनें जो सामान बनाती है वो बिके और उनकी आमदनी बढ़े। ये बुकलेट हिंदी में भी छापी जाए ताकि हजराजपुर जिले में और बाकी जगह भी इसका प्रचार प्रसार हो। पानी आया ये जरूरत थी उधर जरूर सावधान रहना मेरा जब ध्यान बार बार उधर जा रहा है। लेकिन एक बात मैं अपनी दीदियों से कहना चाहता हूं आप में बहुत क्षमता है। एक ने अनेकों काम आपने प्रारंभ किए हैं। आप जो चीज बनाएगी सरकार उनकी मार्केटिंग पैकेजिंग सब करके बाजार भी ढूंढेगी और आपके बने सामान को देश और दुनिया में बिकवाने का काम करेगी ताकि बहनों की आमदनी बढ़े घर में चार पैसे ज्यादा आए। इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बंटवारे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या माधव सिंह जी नागर सिंह जी कई वर्षों में यहां का प्रतिनिधित्व किया हमारे सांसद जी और सब जिम्मेदार नेतागण बैठे। विकास के काम अगर करती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कांग्रेस के लोग केवल ट्वीट करते हैं ट्वीट और 15 महीना उनको देख लिया। 15 महीना में पूरे मध्यप्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था कमलनाथ और कांग्रेस ने। जितनी अच्छी योजनाएं बनाई थी सारी ठप्प कर दी थी। जो वक्त उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों अगर अलीराजपुर जिले में जोबट के आसपास सड़कों का जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। गांव और सड़कों का जाल पहले कांग्रेस की सरकार थी कभी थी क्या सड़कों का आता पता नहीं था। बिजली मिलती नहीं थी आने जाने के रास्ते नहीं थे और केवल सड़कें नहीं अलीराजपुर जिले में नर्मदा जी के पानी को लाने की मांग उठी। मैं सब जगह की बात नहीं करता लेकिन दोनों सिंचाई योजना मंजूर करके अलीराजपुर के गांवों में सिंचाई के लिए भी पानी देने का काम अगर किया तो मामा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपको जगह बहुत ऊंची है जब वो पानी पहुंच नहीं सकता और जो मैं आज ही निर्देश दे रहा हूं जिनके ऊपर खेत है जहां ये सिंचाई का पानी योजना से नहीं पहुंचेगा भाई दिवाली के बाद एक अभियान चला के कपिल धारा के कुएं हमें खुदवाना है ताकि गांव गांव में किसानों के पास कपिल धारा के कुएं हो जाए और वो सिंचाई करके अपनी खेती का उत्पादन बढ़ा सके। खेती के मामले में एक बात मेरे ध्यान में आई है। मुझे यह पता चला है कि कई परिवारों में बंटवारे होना है नामांकन होना है लेकिन कई वर्षों से बंटवारे नामांतरण नहीं हुए।
जिनको बताना है एक एक खेत पटवा की कई पीढ़ियों के नाम पर और इसलिए उनको कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता और इसीलिए आज हम ये तय कर रहे हैं कम इस तरह पे है क्या पवन भवन। आज ये फैसला जोगट की सभा में जनता के बीच जनदर्शन में हो रहा है कि 30 दिन के अंदर जो बंटवारा चाहते हैं नामांतरण चाहते हैं और अविवादित बंटवारा है झगड़े वाला नहीं है तो 30 दिन एक महीना में शिविर लगा के वो बंटवारा और नामांतरण कर दिया जाए। अभी मैं पवन एक बात को साफ करूं, मुझे ये पता चला है कि कुछ लोग पैसे की मांग करते हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं अगर किसी ने किसान से ट्राइबल से पैसे की मांग की तो उसको मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो अभियान से रहकर हमें नामांतरण और बंटवारे अविवादित उसके लिए हर एक किसान को सुविधा देके योजनाओं का लाभ दिलाने में उसकी मदद करें तो कपिलधारा के कुएं होंगे, बंटवारा होगा, नामांतरण का काम होगा। और एक बात और मेरे बहन और भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई जिसमें प्रधानमंत्री जी 60% पैसा भेजते हैं, 40% पैसा राज्य शासन देता है। एक सर्वे करवा के मुझे पता चला है कि कई लोगों का नाम अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है, मकान उनके नहीं बने। आप फिर से एक सर्वे करवाइए, आवास प्लस का सर्वे, और सर्वे करवा के जिनके नाम अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जुड़े उनके नाम जिनके कच्चे मकान है नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे और उनके मकान बनवाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने नहीं किया, ये किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखो ना मेरे बहन और भाई, हम लोग केवल मुख्यमंत्री और सरकार बना के इसीलिए राजनीति चला रहे कि जनता का कोई भला ना करे। भारतीय जनता पार्टी की नीति है रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए करें और इसलिए सस्ता राशन मिले गरीब को आदिवासी भाई बहनों को भी, इसलिए हमने शुरू किया 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देने का अभियान। अभी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में तय किया कि 5 किलो नवंबर के महीने तक वो फ्री में ही देंगे, तो 5 किलो ये मिलता है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, 5 किलो प्रधानमंत्री निःशुल्क देते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ राशन मिलता है कि नहीं मिलता है, बोल के बता मिलता है कि नहीं ये राशन। मैं अगर कोई छूट गया एक बार देखा हमने उत्सव पिछले दिनों किया था 7 तारीख और ये कहा था कि राशन का दुकान द्वारा केला नहीं बांटेगा, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, टीम बनेगी जो राशन के वितरण की व्यवस्था देखेगी। एक बार ये सख्ती से देख ले, सबको राशन मिलना चाहिए, पूरा राशन मिलना चाहिए। और अगर कोई छूट गया कि जो गरीब है और पात्रता पर्ची उसके पास नहीं है तो राशन की पात्रता पर्ची उसके लिए बनाई जाए। जो ईमानदारी से छूट गया है उसको राशन की पात्रता पर्ची देके राशन का वितरण प्रारंभ करना है और राशन का वितरण सार्वजनिक रूप से ही होगा। चोरी चुपके होता तो कई बार ऐसा नहीं कि राशन की दुकान वाले बेच के खा जाए। मैंने कल कई जगह कड़ी कार्रवाइयां की है और आज चेता के जा रहा हूं अगर गरीब के राशन पे किसी ने डाका डाला, अगर उस पर गड़बड़ करने की कोशिश की तो हथकड़ी लगवा के सीधे जेल भिजवाऊंगा, उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। ये पात्रता पर्ची का बच गई है, पात्रता पर्ची
बनाने का अभियान भी चलाया जाए। प्रधानमंत्री आवास की बात मैंने कही है, मैं अपने भांजे भांजियों से बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं, दो साल से पढ़ाई बंद है, ढंग से स्कूल खोले नहीं। अब कोरोना हमारे यहाँ कंट्रोल में है, लेकिन सावधान रहना है, टीका जरूर लगवाना है। कोरोना से बचाव का वो ही सबसे प्रभावी उपाय है। मैं जोबट में दीदियां भी बैठी है, भाई भी बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, कोरोना का टीका लगवाया क्या? जिन्हें लगवाया वो हाथ ऊपर उठाओ, जिन्हें टीका लगवा लिया वो हाथ ऊपर उठाओ। अभी कई हाथ उठे हैं, लेकिन मुझे लग रहा कई लोग बचे हुए। और जब 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर फिर वैक्सीनेशन अभियान चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जुटे, जो लोग बच गए उनको समझाए, टीका केंद्र तक लेके आए, निमंत्रण दे और उनको वैक्सीन लगवाए, क्योंकि वैक्सीन से ही हमारी जिंदगी सुरक्षित होगी। लेकिन कोरोना को कंट्रोल करने के बाद अब पढ़ाई लिखाई शुरू करना है। 20 तारीख से हमने प्राइमरी स्कूल भी खोलने का फैसला किया है। मेरे बेटा बेटियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए जितने स्कूल खोले, आश्रम शालाएं खोली, छात्रावास खोले, कभी कांग्रेस ने 50 साल में नहीं खोले। हमने अपने बच्चों की इस कारण से पढ़ाने का काम किया, आश्रम शालाएं छात्रावासों में ठीक से पढ़ाई कर सके इसका इंतजाम हमने किया, बेटियां दूसरे गांव जा सके इसे साइकिलें दी, यूनिफॉर्म देने का काम किया। कांग्रेस ने तो संबल योजना तक बंद कर दी थी। आज मैं फिर कहना चाहता हूं जोबट वालों, संबल योजना हमने फिर से प्रारंभ कर दी है। और मैं सबसे पहले बेटा बेटियों के फीस भराने का प्रावधान है। और जो जितने बच्चे हैं जोबट के हो, अलीराजपुर के हो, आज मामा फिर से ये कह के जा रहा है कि तुमको मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ना, अगर अपनी प्रतिभा टैलेंट के बल पर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, कहीं भी बड़े शिक्षण संस्थान में होता है, या फीस 7-8 लाख रुपया साल में लगती है, तो चिंता मत करना, तुम्हारी फीस तुम्हारी मम्मी पापा ने मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। पढ़ाई का माहौल एक बार फिर शुरू होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ के अपनी योग्यता के आधार पर बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। मैं जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दे रहा हूं कि नीट की जो परीक्षाएं होती है, जेई मेंस के जो एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए हमको जो बच्चे राजपुर के बच्चों को तैयार करना है और जो उनको ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उनका सिलेक्शन इन बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में ढंग से किया जा सके। ये बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ के पढ़े और अलग अलग पदों पर पहुंचे। और एक बात और, आने वाले कुछ महीनों में लगभग 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होनी है। ट्राइबल्स पे भी बैकलॉग के जो पद है, पुलिस हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे रेवेन्यू हो, सबकी भर्तियां चालू करने का हम अभियान कर रहे हैं। दोनों दृष्टियों से रोजगार नंबर 1, शासकीय सेवाओं में जितने लोग जा सकते हैं उतने शासकीय सेवाओं में जाए। नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर में बायोलॉजी से प्रोजेक्ट शुरू करके और उसके साथ साथ प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार दिला के, रोजगार मेले लगा के हम रोजगार देने का काम करेंगे, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। एक बात और, लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि कई कार्यक्रम आ गए। एक बात और, कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड बने, कई आयुष्मान कार्ड बन गए। आयुष्मान भारत योजना में भी केंद्र सरकार का पैसा भी है और 40% राज्य सरकार भी देती है। ये आयुष्मान कार्ड का फायदा ये होगा कि हमारे बच्चे या हम में से कोई बीमार होगा तो सरकारी अस्पताल में तो इलाज निःशुल्क होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी
₹5,00,000 तक के इलाज हमको साल में फ्री में मिलेगा। ₹5,00,000 तक का इलाज, हार्ट की बीमारी हो जाए, किडनी खराब हो जाए, लीवर की बीमारी हो जाए और कोई बड़ी बीमारी में फंस जाए तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आम इंसान कहाँ जाएगा, उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। आयुष्मान कार्ड कितने बने जिले में अभी एक बार चेक करवा लो। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है भैया, घर घर जाकर देखो, कोई से नहीं बने तो बनवाओ, ये अपनी ड्यूटी है, अपन जाकर बनवाए। 5,00,000 तक का इलाज फ्री में होगा, ये हमारा धर्म है। हम राजनीति में काम कर रहे हैं कि सबके आयुष्मान कार्ड बनवाए ताकि इलाज में किसी को कोई दिक्कत ना हो। आजकल अस्पताल का महत्व बहुत बढ़ गया है और इसलिए ये बात भी आई कि जोबट में जो अस्पताल है उसको छोटे अस्पताल को बड़े अस्पताल में बदलना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं, अरे ठीक है कि नहीं। और फिर जोबट के अस्पताल को सिविल अस्पताल 100 बिस्तर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और लगभग 13,00,000,000 की राशि उसके लिए मैं स्वीकृत कर रहा हूं। अभी बात स्टेडियम की आई थी, मैंने घोषणा कर दी कि स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम बनाने में लगभग 5,00,000,000 रुपया खर्चा होंगे, यहाँ शानदार स्टेडियम बनाया जाएगा। लेकिन जब भी हम आते हैं यहाँ तो हमको तीर कमान भेंट किया जाता है और इसीलिए हम ये भी तय कर रहे हैं कि स्टेडियम तो सब खेलों के लिए बनेगा लेकिन तीरंदाजी के लिए आर्चरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसका भी यहाँ विशेष रूप से प्रावधान किया जाएगा ताकि हमारी एक बेटी सुंदर है जैसे ही वैसे तीरंदाज भी निकले, आर्चरी में भी हमारे बच्चे निकले और देश और दुनिया में चमत्कार करने का काम करें। आज छात्रावास यहाँ खोले जाएंगे जिले में, जिनमें से प्रत्येक छात्रावास में 3-3 करोड़ रुपए हम खर्चा करेंगे, लगभग 27 करोड़ रुपए की राशि ये छात्रावास खोलने के लिए व्यय की जाएगी ताकि हमारे बच्चे छात्रावास में रह के ढंग से पढ़ाई करने का काम कर पाए। हमने पहले भी एक नहीं अनेकों काम किए, हमने आप जानते हैं दही माइक्रो इरीगेशन योजना और अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई योजना बनाने का यह काम किया है। ये सब चीजों को तो काम चलता रहेगा, इसी के साथ साथ एक बात और मेरे दिमाग में आती है कि हमारे यहाँ कल कारखाने भी खुलने चाहिए ताकि उद्योग खुलेगा तो बच्चों को रोजगार मिलेगा। और इसे उमरी में 28 हेक्टर जमीन पर उद्योग मंत्री प्रभारी मंत्री है अपने राजवर्धन जी, 28 हेक्टर जमीन है उमरी में, वहां हम औद्योगिक पार्क की स्थापना करेंगे जिसमें उद्योग लगेंगे छोटे छोटे जहां हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही विलासा बैराज, बहदला बैराज, मसनी बैराज, मोद नदी का बैराज, ये सिंचाई के लिए जहां पानी नहीं आ सकता, विलासा बैराज के लिए 3,44,00,000, बहदला बैराज के लिए 4,46,00,000, मसनी बैराज के लिए 3,20,00,000, मोद नदी बैराज के लिए 6,09,00,000 रुपए की राशि भी स्वीकृत हम करते हैं ताकि ये बैराज बना के पानी ढंग से दे दिया जाए। नगर जोबट में आज मैं आया हूँ और जो जोबट के संपूर्ण विकास के लिए मुझे बताया यहाँ एक नाला निर्माण होना है, उसके लिए 2,28,00,000, गौरी नदी पर रिटर्निंग वाल उसके लिए 1,94,00,000, सड़क और नाली निर्माण के लिए 80,00,000 रुपया, उद्यान विकास के लिए 70,00,000 रुपया और सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 40,00,000 रुपया भी देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जोबट शहर के स्वरूप को हम बदल सके, इसका और बेहतर विकास कर सके। जोबट के विकास के साथ साथ जोबट शहर में भी मकान बनाने के लिए गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के लिए अलग से व्यवस्था करने का।
13 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से योजना बनी है ताकि जो बच्चे घर घर में शुद्ध पेयजल पीने का पानी टोटी वाला नल लगा के दिया जा सके। उसके अलावा और एक भी अनेकों काम हुए हैं, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, आज अनेकों कार्यक्रम है। इसके लिए मेरे बहनों भाइयों मैं आता हूँ तो कमलनाथ जी ट्वीट करते कि मामा दर्शन देने जा रहा है, हम तो दर्शन देने जाते हैं, देने नहीं दर्शन जनता के करने आते हैं, तुम भी चले आओ कभी कभी तो आ जाओ। दिल्ली में बैठ के ट्वीट फटकारते रहते हैं और कांग्रेस के नेता कहते हैं पुरानी घोषणाओं का हिसाब दो। ये मंच बैठा हुआ है शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की है एक एक पूरी करके दी है। क्या क्या है कांग्रेस केवल लपवाजी करना, केवल झूठी बातें करना, जो कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है और आगे भी मामा कसर नहीं छोड़ेगा। हालांकि कोरोना की थोड़ी कड़ी है, पैसा आए नहीं, बिजनेस व्यापार ठप हो गया था, तो अभी मैंने क्या जरूरत पड़ी तो उधार लेके भी करूंगा, लेकिन जोगत और अलीराजपुर के विकास में कोई कसर नहीं रहने दूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलकर अलीराजपुर जिला फिर आगे बढ़ेगा। जोगत का विकास रुक गया था, अब फिर से जोगत के विकास में पूरी दम लगाएंगे और अलीराजपुर भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह हितलाभ वितरण की संकल्पना को साकार करते हुए हितग्राहियों को लाभांश वितरण करने का कष्ट करें। मैं सबसे पहले बता रहा हूं कृषि विभाग के किशन धवल सिंह बड़ा बुरा जोहट से 14 नलकूप खनन के लिए 40,000 रुपए की सब्सिडी इन्हें प्रदान की गई है। पहाड़ सिंह चैन सिंह नलकूप खनन के लिए 40,000 रुपए, सेलेश दांगी 1,75,000 रुपए मोबाइल रिपेयर के लिए, नरेंद्र सिंह मेस्ता प्रधानमंत्री कृषि योजना अंतर्गत 59,611 रुपए, रुमान सिंह डोंगरगांव से, भगड़ा पिता देवला डोंगरगांव वन अधिकार पत्र, राजू पिता राम सिंह चौहान, अनिता पिता जगत सिंह जोगड़िया धन सिंह, भूर्दा भंगड़िया मालवी गाय के लिए सब्सिडी, अनिशा पति कमलित नवीन पात्रता पर्ची समग्र आईटी के लिए, कमली पिता भंगड़िया नवीन पात्रता पर्ची, रफीक नजमुद्दीन खत्री मुख्यमंत्री स्वराज योजना रोजगार योजना, शेष हितग्राहियों को भी लाभांश वितरण ही मान्य किया जाएगा। समय अभाव के कारण इतना वितरण तो यही विराम देते हैं। आभार के लिए मैं खुला रहा हूं। इसलिए जब मैं आ रहा था तो विद्यार्थी परिषद के साथी मिले थे और हमारी बेटियां भी मिली थी, जिन्हें ये मांग की कि यहां पे अभी जो क्लास है जोबट में वो स्नातक तक की है, बीएससी भी काम की, एमएससी में नहीं है, तो बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं? और इसलिए अगले सत्र से जोबट में पीजी क्लास मतलब केवल बीए बीएससी नहीं एमए एमकॉम भी शुरू कर दी जाएगी, पीजी क्लासेज भी शुरू कर दी जाएगी। और विद्यार्थी परिषद ने और एक मांग पत्र दिया है, उस पर भी गंभीरता से विचार करेंगे। बाकी सब हितग्राहियों को ठीक से मिल जाए, वितरण ठीक से हो जाए हिसाब का, उसकी आप अधिकारी चिंता कर ले। मुझे तो कई जगह आज जाना है, इसलिए अभी कार्यक्रम यहाँ समाप्त करता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय एवं इस कार्यक्रम में पधारे समस्त जनप्रतिनिधि पत्रकारगण व नागरिकगण,
बहुत बहुत आभार कि वो अपना अनुभव मुझे समय निकालता है। राजश्री वहाँ है तो आ जाए, उनके माता पिता का राजश्री Thank you.